भाकियू अध्यक्ष एक बाल्यान खाप के चौधरी गुरुवार को लिसाड़ गांव में हो रही गठवाला खाप की पंचायत में पहुंच गए। बुढ़ाना विधायक उमेश विधायक प्रकरण को लेकर उपजे विवाद को शांत करने की कोशिश की। कहा कि उन्होंने भाजपा के विरोध की बात कही थी, वह कोरे कागज पर साइन करा सकते हैं, मनमुटाव दूर करें, सभी किसान पंचायत में चलें। लेकिन गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि महापंचायत में भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां सहयोग कर रही हैं, लेकिन किसी नेता को नहीं बुलाया जा रहा है। नरेश टिकैत बताए कि किसान महापंचायत है या टिकैत महापंचायत, जैन चौधरी को न बुलाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर फिलहाल कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है और एक नया मुद्दा खड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक किसी ने महापंचायत में राजनीतिक दलों के नेताओं के न आने का मुद्दा नहीं उठाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाकी और लोकदल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आइए आपको सुनाते हैं चौधरी राजेंद्र सिंह महापंचायत में क्या बोले। सारा लोकदल मेरा बैठा दिखना नहीं, सारा कोई जी का पार्टी का सब कोई वो नहीं रह रहा, एक बीजेपी वाले को छोड़ के जो उसमें जो है मतलब सहयोग मना लग रहा हो, लोकदल वाले लग रहे, पता नहीं क्यों लग रहे, लेकिन सच्चाई बताओ जय क्यों जा रहा, क्यों निकला जा रहा, सिर्फ इसलिए निकला जा रहा है ये दिखाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी है हम हैं, अगर जैन धुआं आ गया तो राजनीति हो जाएगी। नरेश टिकैत इसे क्लियर कर दे, वो किसान पंचायत है वो या टिकैत पंचायत है, अगर किसान पंचायत है जिस राजनीतिक पार्टी भी आप लोगों का सहयोग कर दी, उन जुम्मेदारों को बुलाओ और जुम्मेदार सब बुलाओ, क्या दिक्कत आ रही है, हम भी तैयार हैं। अगर उस पंचायत को अकेले ही वो करते हो पर हम ही रहेंगे तो मेरा तो मानना ये है, अब वो जो है कि इनकी ही पंचायत है, टिकैत पंचायत है, किसान की पंचायत करो फिर। अगर वह किसान पंचायत है, हर आदमी फ्री है, वो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर वह टिकैत पंचायत है तो वह मारे बस का तो उसमें जाना है। जब ये किसी को बढ़ने देने के, हमें एक चीज का नहीं पता रहा, ससुर में तो रिश्तेदारी भी है, रिश्तेदार भी पूछ के जाकर रहेंगे वहाँ पर साहब हम आ जाएंगे रिश्तेदारी में। अब सुनिए नरेश टिकैत ने क्या कहा। तो उद्देश्य तो परिवार है, यहाँ से पता लगा था अगर उन्होंने इस तरह की बात हो रही, जो ये भ्रांति फैलाई जा रही थी लगभग अठवाड़े मरबालैंड में इस तरह की वो है बातचीत, तो वह दूर होगी, उनके मन में तो भी निकल गई, हमारे मन में तो भी निकल गई, बड़ी अच्छी उस तक बात हुई, हमने उन्हें भी बताया दी भाई इस तरह की बात नहीं थी, इस तरह की थी। तो ये उसमें उमेश मलिक के उसमें ही थी बातचीत, हमने उन्होंने कहा था भाई भाजपा का विरोध हो रहा, इतना आंदोलन चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है एमपी है इनका विरोध है, हरियाणा में ज़्यादा है, यहाँ भी इस तरह का, तुम फरेज रखो, हमें हमारी कोई वानी है किसी को, ना किसी के प्रोग्राम को रोकने की ना किसी के उसकी, सब दुख सुख में आ जा रहे, पर एक थोड़ी सी बार है बातचीत तक भाई भाजपा का विधायक आ रहे या एमपी आ रहे उनका विरोध हो, उसके विरोध के उसमें उनका विरोध झेलना पड़े तो अच्छी नहीं बात है, तो वो होगी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। सिसोली में जो अच्छा दोनों खापों के बीच पहले से मधुर संबंध रहे, फिर बीच में अब ये नहीं, नहीं मधुर है, मधुर है, कोई कहा दरार कुछ नहीं है, दरार कुछ नहीं है, दरार बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध है, और नुकन हुई हम गठवाले बिना अधूरे है, हमारे बिना अधूरे है, हमारी लड़ाई की लड़ाई की हुआ थोड़ा ही है, हम लड़ेंगे, हमारी तो जिम्मेदारी है खाप चौधरी होने के नाते, समाज को जोड़ने का हमारा काम है, तो समाज को हम जोड़ते आ रहे, हमें कोई हुआ नहीं है बातचीत, कोई ना हमें किसी किस्म की हुआ है। अच्छा बाबा जी पंजाब में पैसे बढ़ाए गए गन्ने पे, तो लड़ाई तो यही तो है, लड़ाई तो यही है, पंजाब में तो 50 रुपये बढ़ाए, और यहाँ कितने किसानों की कितनी दुर्दशा हो रही है, किस हालात हम खेती कर रहे हैं, खेती घाटे का सौदा, हम यही तो कह रहे हैं, इसी बात पर तो धरना चल रहा है, वहाँ से 9 महीने हो गए, आज पूरे 9 महीने हो गए, तो इस उसमें तो सोचना क्या, पंजाब में तो बिजली भी फ्री है। तो आज बाबा जी से मिले, क्या
नहीं ऐसा हम तो मिलते रहे, हम तो कहाँ से हुआ है बातचीत, ऐसी नहीं कुछ है, ऐसा मिलते रहे, फोन पर संबंध होते रहे, सारी बात है, ऐसी कुछ नहीं बात है, जो लोगों के मन में विचार थे इस तरह की बात है, ऐसी कोई वो नहीं है, ना उनके मन में कुछ है ना हमारे उसमें। तो 5 सितंबर की महापंचायत में क्या गठवाड़ खाप पहुँचेगी? हाँ जाएंगे तो खूब जाएंगे, ठीक है, सुलह लग रही है उसमें करने जाएंगे, वहाँ से ऐसा ही नहीं कि तो जिम्मेदारी है, ऐसा किसान है सारे, इन बिना अधूरा है वह पंचायत, अगर 5 तारीख में 4 साल नहीं जाएंगे तो अधूरी है, जाएंगे भी पंचायत में जाएंगे, जिम्मेदार है, ठीक है।